सब यूट्यूब आप देख रहे हैं फैक्ट एंड फिटनेस। मेरा नाम ध्रुव है और आज हम एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको लेने से विजिबल एनाबॉलिक गेन्स होते हैं। जब मैं एनाबॉलिक गेन्स बोलता हूँ तो मेरा एनाबॉलिक गेन्स से मतलब है कि आपको विजिबल मसल मास इंक्रीज देखेगा, दैट टू लीन मसल मास इंक्रूव होगा एंड हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है जिम में उस सप्लीमेंट को लेने से। तो और उस सप्लीमेंट का नाम कुछ और नहीं, जैसा आप सबको अभी तक समझ आया होगा कि मैं क्रिएटिन के बारे में बात करूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्रिएटिन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो मेरे पास ऑन का क्रिएटिन है और बाकी ब्रांड्स में जो मैंने यूज़ किए, तो मैं आज वो सब डिस्कस करूँगा क्रिएटिन के बारे में, उसको लेने से क्या बेनिफिट होते हैं, कि क्रिएटिन क्या होता है, व्हाट इज़ क्रिएटिन, व्हाट डज इट डू, वो करता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं फॉर जिम गोअर्स, जो लोग जिम जाते हैं उसको उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एंड उसकी डोसेज क्या होती है रिकमेंडेड एंड इन केस उसका कोई साइड इफेक्ट है तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने की, व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन कुछ नहीं, हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं, और प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड उसको प्रोड्यूस होने से क्या होता है, वो कुछ नहीं करता है, इट विल क्रिएट और प्रोड्यूस एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है कि पहले मैं बताता हूँ, जैसे हम जिम जाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा हम 10 या 12 रैप मार के हमारे बाइसेप या कोई भी मसल में हमारी बर्निंग सेंसेशन आती है एंड देन हमारा हम आउट हो जाते हैं एंड देन हम अगेन रेस्ट लेते हैं एंड देन अगेन दूसरा सेट परफॉर्म करते हैं। तो क्रिएटिन क्या करता है, जैसे ही हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करेंगे, ये जो बॉडी में जो क्रिएटिन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो क्या होता है एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिन होगा बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा एंड जितना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा आप रेप्स परफॉर्म कर पाएंगे जिम के अंदर, और जितने ज़्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाएंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यू कैन यू विल बी एबल टू लिफ्ट मोर वेट। जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप मसल को टॉन ईजिली कर पाएंगे, ऐसा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, राइट। तो हम जैसे जैसे क्रिएटिन इंक्रीज करते हैं तो एटीपी इंक्रीज होता है, एटीपी इंक्रीज होता है तो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और ज़्यादा वेट आप इस लिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली विल पुट ऑन मोर मसल मास, स्ट्रेंथ भी डे बाई डे बढ़ती जाएगी। तो बॉडी के अंदर नेचुरली जो क्रिएटिन प्रेजेंट होता है वो इतना इनफ नहीं होता है कि वो एक जिम गोअर को सपोर्ट कर पाए। तो जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मैं सपोज करते हैं कि 10 kg के जब सेट मारता हूँ बाइसेप कर्ल के, तो मैं 10 रेप पे आउट हो जाता हूँ। तो अगर मैं उस अपने आप को क्रिएटिन से सप्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगा या क्रिएटिन से सप्लीमेंट करूँगा तो क्या होगा कि मैं 10 की जगह 12 से 14 रेप्स मार पाऊँगा, और जब मैं ज़्यादा लिफ्ट ज़्यादा रेप्स मारूँ ऑब्वियसली मैं मसल ज़्यादा पुट ऑन कर पाऊँगा। तो उसमें क्या होगा, तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि उस लेवल पर जाने के लिए हमको क्रिएटिन चाहिए रहता है। क्रिएटिन क्या करेगा, जैसे ही आप क्रिएटिन से सप्लीमेंट करेंगे अपने आप को, तो क्रिएटिन आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन इंक्रीज कर देगा। फॉस्फोक्रिएटिन इंक्रीज होगा, उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, एटीपी जनरेट ज़्यादा होगा। एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी हाउस, एटीपी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। तो अभी जिम में जाके आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे, आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, आप जितने रेप्स आप अभी करंट मारते हैं उसमें 2 या 3 ज़्यादा रेप्स मार पाएंगे, हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे, और इन सबसे क्या होगा आपका मसल मास इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी बात आती है कि क्रिएटिन फर्स्ट ऑफ ऑल फूड से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते नेचुरली। तो फूड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों नॉन वेज एंड वेज कवर करूँगा। तो पहले नॉन वेज की बात कर लेते हैं। नॉन वेज में रेड मीट्स में प्रेजेंट होता है क्रिएटिन, फिश में प्रेजेंट होता है लाइक सैलमन एंड ट्यूना के अंदर। एंड अगर फिश से आपको चाहिए तो हमको 2 पाउंड, अगर मुझको 5 ग्राम का क्रिएटिन चाहिए तो मुझे 2 पाउंड फिश कंज्यूम करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली गोज विथ बीफ एंड पॉक, हमको इतना ही कंज्यूम करना पड़ेगा, अराउंड 2 पाउंड्स, तो जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई हम क्रिएटिन से अपने आप को सप्लीमेंट करते हैं, हम क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं एंड देन वी यूज टू टेक इट एज अ सप्लीमेंट, ताकि हमको जो एडिशनल नीड है तो हमको मिले। अभी वेजिटेरियंस के लिए बात करते हैं तो वेजिटेरियंस के लिए ऑलमोस्ट ऐसा कोई फूड्स नहीं है जिससे क्रिएटिन मिलता है, दैट्स व्हाई वेजिटेरियंस को इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अभी बात करेंगे कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए, क्या इसकी कौन कौन सी ब्रांड्स हैं और मैंने कौन सा यूज़ किया, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इसकी डोसेज अगर आप किसी भी क्रिएटिन के सप्ली बॉक्स पे देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि आप 1 वीक तक उसको
लोड करें, लोड करें इन द सेंस वो बोलेंगे कि फॉर अ डे यू टेक इट अराउंड 20 ग्राम इन यू नो 5 से 4 सर्विंग के अंदर, उसको 20 ग्राम्स तक इनफ कंज्यूम करें एंड देन दे उसके उस 1 वीक के बाद हम उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं एट अ मेंटेनेंस लेवल। बट मैंने जब उसको लेना स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने उसको 2 ग्राम की डोज पर स्टार्ट किया एज अ। तो हम क्या करना चाहिए, हमें एक स्मॉल डोसेज पर स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं अभी भी उसको 2 ग्राम लेता हूँ एवरी डे, एंड 2 ग्राम ही मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, 2 से 3 ग्राम मैं उसको लेता हूँ। थोड़ा सा उसके अंदर एक छोटा सा स्कूप प्रेजेंट होता है, उसको आप हाफ ले सकते हैं, दैट इज 2.5 ग्राम, 5 ग्राम का टोटल स्कूप होता है। तो 2.5 ग्राम लेना मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं 2.5 ग्राम लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से यूज़ किया अंदर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो एक ये मेरा फर्स्ट अल्टीमेट न्यूट्रिशन का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट था, इसके इसको लेने के बाद सीरियसली सुपर रिजल्ट्स होते हैं। मैं किसी ब्रांड की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, क्रिएटिन लेने के बाद 1 वीक के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप ज़्यादा वेट उठा पा रहे हैं एंड आपकी स्क्वाट एंड बेंच प्रेसिंग कैपेसिटी और डेड लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर चुकी है। एंड उसके बाद मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का यूज़ किया था गाइस, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, और ये सब नॉन फ्लेवर्ड है। एंड देन करेंटली मैं अभी मसल टेक का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये अंदर से कैसा होता है इन केस किसी ने नहीं देखा है। तो इसके अंदर ये 5 ग्राम का स्कूप रहता है और ये वाइट कलर का होता है लाइक दिस। तो मेरा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये, इसको वाटर के साथ लेना होता है, और इसकी डोसेज जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 या 3 ग्राम ही कंज्यूम करता हूँ। और किसी भी आप बॉक्स पे देख लेंगे तो सबके इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट होता है इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड माइक्रोनाइज भी होता है। सो ये तो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, मैंने माइक्रोनाइज भी यूज़ किया। माइक्रोनाइज में क्या होता है, उसकी उसके क्रिस्टल्स और उसको और इतना ज़्यादा फाइन किया जाता है कि वो थोड़ा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, तो थोड़ा ईजी टू डाइजेस्ट होता है, बट सबका सेम ही रिजल्ट होता है। ये वाला मेरा माइक्रोनाइज है, जैसा आप इसके ऊपर देख सकते होंगे लिखा है इसके ऊपर माइक्रोनाइज्ड, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। तो इसकी डोसेज मैं 2 ग्राम रखता हूँ एवरी डे, और इसको मैं बिफोर वर्कआउट कंज्यूम करता हूँ पानी के साथ, और ये अनफ्लेवर्ड होता है, इसके अंदर शुगर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है। तो इसके एडवांटेजेस पता चल गए, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल इंक्रीज होता है, मसल मास इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, जब आप ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंटेंसिटी सब चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो ये काम कैसे करता है एक्चुअल में, क्रिएटिन जैसे आप सप्लीमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन इंक्रीज होगा, उसकी वजह से एटीपी विच इज़ नथिंग बट एनर्जी ब्लॉक्स, उसकी वजह से आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे, ज़्यादा मसल मसल मास और ये सब ये सब। और इसको हम लोग एक वॉल्यूमाइजिंग के सप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है आपके मसल को एक साइज देता है, साइज इंक्रीज करता है। वो ये कैसे करता है, ये क्या करता है कि जितना भी पानी प्रेजेंट होता है उस पानी को ड्रॉ करता है मसल के अंदर, मसल के अंदर पानी को पुल करने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल मसल फुलर नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि क्रिएटिन लेने से किडनी स्टोन हो सकता है या स्टमक या लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है उन केसेस में जब लोग ज़्यादा इनफ वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं क्रिएटिन लेने के साथ। क्रिएटिन जब भी आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि हमें अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर हम एटलीस्ट कंज्यूम करें दिन के अंदर, क्योंकि क्रिएटिन क्या करेगा, पानी पुल करेगा और वही पानी को मसल के अंदर लाता है, उसी वजह से हमारा मसल बड़ा लगने लगता है। तो अगर हम इनफ पानी नहीं पियेंगे तो ऑब्वियसली वो किडनी और लिवर से पानी, उनके लिए क्या होगा, एक्सक्रीट करना, सिस्टम को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए इजी होगा अगर हम ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। लोग क्या करते हैं, पानी कंज्यूम नहीं करते हैं एंड देन सप्लीमेंट को ब्लेम करते हैं कि सप्लीमेंट की वजह से ऐसा हो गया, जिसमें कि ऐसा होता नहीं है। तो इसका एक ही साइड इफेक्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सेफ सप्लीमेंट, और इसके रिजल्ट्स तो बिल्कुल ट्रेमेंडस ड्रास्टिक होते हैं। 1 वीक के अंदर आप लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। एंड कॉस्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे चीप तो मेरे को अल्टीमेट न्यूट्रिशन का था अराउंड 800, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का था अराउंड 900, 1000 की रेंज में आता है। एंड मसल टेक का थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है बट वो 1300 के अराउंड पड़ता है। और ये मेरे लास्ट 2 ईयर से चल रहे हैं, 3 मैंने बॉक्सेस यूज़ किए हैं इसके और लास्ट 3 ईयर्स 2 साल में यूज़ किए हैं।
और एक बॉक्स अराउंड मेरा 4 महीने चल जाता है, क्योंकि मैं रिड्यूस क्वांटिटी यूज़ करता हूँ, स्लो क्वांटिटी यूज़ करता हूँ, तो हमेशा हमको स्लो ही क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। तो आज के वीडियो यही तक गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो कंटेंट पर, और मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उन सब के लिंक्स भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज़ ऑल फ्री। नीचे एक रेड कलर का बॉक्स होगा, वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं तो सब्सक्राइब हो जाएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, पीस।